बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम ओ लेवल, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज मैं लेक्चर नंबर 33 के साथ आपके साथ हूँ। हम वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 3 एंड द टॉपिक ऑफ चैप्टर 3 इज एट सी। एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ एट सी इज फॉस्फोरेसेंस ऑन द ओशन। व्हाट्स द टॉपिक? फॉस्फोरेसेंस ऑन द ओशन। व्हाट वाज द फॉस्फोरेसेंस? डू यू रिमेंबर? What was the phosphorescence? Basically, it was phosphorescence was due. Phosphorescence was the lightning or the luminous effect on the surface of the water, and that was due to the decaying organisms. ये वो कुछ material जो है वो जो sea है वो अब सरफेस पर ले आता है, जो डिकेइंग एलिमेंट्स होते हैं वो जब सरफेस पर आते हैं और वो मूव करते हैं तो उनसे एक खास किस्म की रोशनी सी निकलती है जिसको फास्फोरेसेंस कहा गया है। आज हम पैराग्राफ 5 की रीडिंग करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा है, 4 क्वेश्चंस इसके, हमने 4 to 5 क्वेश्चंस इसके जो हमने आज करनी है। लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 5। नियर फर्नांडो नोरोना The sea gave out light in flashes. Flashes, lightning. एक खास किस्म की वहां से एक लाइट निकलती थी जो एकदम से अपीयर होती थी और गायब होती थी। फ्लैशेज ऐसे ही होते हैं ना, फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग, जब बिजली चमकती है वो फ्लैशेज कहलाते हैं। फ्लैशेज वो लाइट होती है जो एकदम से अपीयर होती है और फिर गायब हो जाती है। सो नियर फर्नांडो नोरोना द सी गेव आउट लाइट इन फ्लैशेज। द अपीयरेंस वॉज वेरी सिमिलर टू दैट विच माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज फिश मूविंग रैपिडली थ्रू अ ल्यूमिनस फ्लूइड। द अपीयरेंस वॉज वेरी सिमिलर टू दैट विच माइट बी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड होप्ड फ्रॉम अ लार्ज फिश मूविंग रैपिडली थ्रू द ल्यूमिनस फ्लूइड। ल्यूमिनस ब्राइट, ऐसा लगता था कि किसी जो है ब्राइट सा एक लिक्विड है जिसमें से एक बड़ी सी फिश जो है वो गुजर रही है। इट बेसिकली इट वाज द व्यू ऑफ द पीपल ऑफ द सेलर ओवर देयर। लोगों का ये ख्याल था कि इट वाज अ काइंड ऑफ फिश, लेकिन राइटर का क्या कहना है, द सेलर एट्रिब्यूटेड टू ए लार्ज फिश बाय के वहाँ के जो लोग जो एक रेगुलर फिशिंग वहाँ पे करते थे वो कहते थे कि इट्स अ लार्ज फिश। बट आई एंटरटेन सम डाउट्स on account of the frequency and rapidity of the flashes. I entertained, I welcomed, कहता है, लेकिन मेरे जेन में जो बार बार ख्यालात आते थे, entertain का मतलब होता है, entertain some doubts का एक phrase है जिसका मतलब है कि आपके जेन में जो शकुक व शुभात पैदा होते हैं, you justify those doubts. आप उन doubts का एक reasoning, एक अकल, एक दलील के साथ उनका उसका answer ढूंढते हैं। So, कहते हैं, I entertained some doubts. He tried to rationalize his doubts. उसने अपने शकूक की वजह तलाश की, उसके शकूक का जो जवाब था वो तलाश किया। On account of the frequency and the rapidity of the flashes. On account of the frequency and rapidity of the flashes. On account, on base, on reason of the frequency के जितनी वो इंटरवल्स के साथ, कितने वक्फों के साथ एंड रेपिडिटी और कितनी तेजी के साथ, फास्टनेस के साथ वो अपीयर होते हैं फ्लैशेस। आई हैव ऑलरेडी रिमार्क्ड सेड, वो कहते हैं मैं इस बात को पहले ही कह चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिमार्क्ड दैट द फेनोमेना इज वेरी मच मोर कॉमन इन वार्म देन इन कोल्ड कंट्रीज। फेनोमेना A scene to observe. हम कहते हैं ना, a phenomenal performance. अक्सर हम ये phrase सुनते हैं, a phenomenal performance. तो phenomena हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, we use the word phenomena when there is extremely grand or spectacular view. या बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कहीं पर scene हो, या बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोई आप कह लो कि आपको कोई चीज़ कोई ऑब्जर्व करने को मिले तो हम उसको phenomena कहते हैं। That the phenomena is very much more common in warm than in cold countries. कि गर्म इलाकों में इस तरह का फ्लोर फॉस्फोरेसेंस का जो एक
फेनोमिना है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द कोल्ड कंट्रीज. आई हैव सम टाइम इमेजिन दैट अ डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज इट्स मोस्ट प्रोबेबल काज. डिस्टर्ब्ड क्राउडेड नो डिस्टर्ब्ड का मतलब होता है अनअरेंज्ड. आई हैव सम टाइम इमेजिन्ड दैट अ डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रिकल कंडीशन. जब वो एक आपको पता है कि जब पानी मूव करता है तो उसके जब वो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं और वो एक खास किस्म का एक फ्रीक्वेंसी आप कह लें एक एक इलेक्ट्रिकल करंट सॉर्ट ऑफ कह लें कंडी उसकी वजह से कहता है कि ये जो फॉस्फोरेसेंस का एलिमेंट है शायद उस वजह से. आई इमेजिन कहती है थॉट कहता है थॉट सडनली आई थिंक द सी इज मोस्ट ल्यूमिनस आफ्टर फ्यू डेज ऑफ काम वेदर ड्यूरिंग विच टाइम इट हैज स्वैम्ड विद द वेरियस ऑर्गेनिज्म. स्वाम जो होता है स्वैम भी कहते हैं स्वाम्ड भी कहते हैं. स्वाम होता है लश्कर होना. लश्कर का मतलब इन ग्रेट नंबर टुगेदर. स्वाम क्या आता है इन अ ग्रेट नंबर टुगेदर कि आप इकट्ठे कहीं एक जगह पर कोई शायद चली जाए कोई ऑर्गेनिज्म चले जाए जैसे स्वाम ऑफ लोकस हम कहते हैं कि वो इंसेक्ट्स हैं वो जो क्रॉप्स पर अटैक करते हैं और सारी क्रॉप्स और ग्रीनरी को ख़त्म कर देते हैं. तो कहते हैं कि इट हैज स्वार्म्ड विद वेरियस स्वार्म्ड क्राउडेड इट हैज स्वार्म्ड विद द ल्यूमिनस इट हैज स्वार्म्ड विद वेरियस ऑर्गेनिज्म. कि जब वो सी एक काम फॉर्म में होता है बहुत ज्यादा स्टॉर्मी वेव्स उसकी नहीं होती तो कहते हैं उस वक्त जो है उसके सरफेस पर बहुत सी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं. फ्यू डेज ऑफ काम वेदर ड्यूरिंग विच टाइम इट हैज स्वार्म्ड विद वेरियस ऑर्गेनिज्म कि बहुत सी चीजें एट द सरफेस ऑफ द वाटर आ जाती हैं. वाटर फिल्ड विद जेलेटिनस पार्टिकल इज इन एन इम्प्योर स्टेट. जेलेटिनस जेली लाइक ये हम पहले भी कर चुके हैं. वाटर फिल्ड विद जेलेटिनस पार्टिकल इज इन एन इम्प्योर स्टेट कि पानी की अपनी शक्ल तो खत्म हो जाती है उसके जो आप कह लो कि जो मेरीन लाइफ में से कुछ चीजें सरफेस लेवल पर आनी शुरू होती हैं तो वो जो ज़ाहिर है वाटर तो इम्प्योर होगा. इसलिए इम्प्योर होगा यू कांट सी द रियल क्रिस्टल क्लियर इमेज ऑफ वाटर. आपको पानी की अपनी एक शक्ल नजर नहीं आती बल्कि जो पानी के अंदर जो चीजें मिक्स नीचे से बॉटम से आना शुरू होती हैं वो उनका रिफ्लेक्शन आपको नजर आता है. तो सो दैट इज वाई द ऑथर कॉल्ड इट एन इम्प्योर स्टेट बिकॉज यू कांट सी द रियल कलर ऑफ सी वाटर. वाटर फिल्ड विद जेलेटिनस पार्टिकल इज इन एन इम्प्योर स्टेट एंड द ल्यूमिनस अपीयरेंस इज प्रोड्यूस्ड by the agitation of the water in contact with the atmosphere. Agitation, disturbance. तो कहता है कि जब वो पानी के अंदर different चीज़ें हिलती हैं disturbance create होती है तो उसकी वजह से luminous appearance होती है. I am therefore inclined with a bent of mind होना किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने का रुझान होना. If you think towards, if you think about something on regular base, if you give a serious thought to some point, तो हम इसको inclination कहते हैं. जब आप किसी point के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हम उसको कहते हैं inclination. आपके उसका रुझान उस तरफ है उसका जो सोचने का ज़्यादा tendency है वो किसी जाने जब हो जाती है तो हम उसको inclination towards that particular thing कहते हैं. I am therefore inclined to consider inclined bent of mind कहता है मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया that the phosphorescence is the result of the decomposition of the organic particle. Phosphorescence आप ध्यान से सुने यहाँ पे listen to it carefully. The phosphorescence is the result of the decomposition of the organic particle. Decomposition decay किसी चीज का आहिस्ता 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 ग्रेजुअली एंड स्लोली खराब होने को हम डिके होने को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डेस्टिन टू डिके
ये बात याद रखिएगा। साइंस वाले ज्यादा टीचर्स आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डेस्टिन्ड टू डिके। तमाम जिंदा चीजें जो हैं उन्होंने आकर, जिंदा क्या नॉन लिविंग भी जो ऐसी ही है, दे आर बाउंड टू डिके, डीकम्पोजिशन। इसी तरह समुंदर में भी बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो सी की है वो एक मेरीन लाइफ है, सो दे आर डेस्टिन्ड टू डिके। तो वो जो डिके ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद इन द सी है, वो आप आहिस्ता आहिस्ता जब वो डिके वाली फॉर्म में आती हैं तो वो ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर आना शुरू हो जाती हैं। सो तो कहते हैं कि फॉस्फोरेसेंस इज द रिजल्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक पार्टिकल बाय विच प्रोसेस वन इज टेम्परेड ऑलमोस्ट टू कॉल इट अ काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है सांस लेना, ब्रीदिंग, एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। तो कहता है कि ये जो सर्फेस ऑफ द वाटर पर चीजें आना शुरू हो जाती हैं, तो कहता है कि मैं तो इसको लास्ट में क्या कहूंगा, रेस्पिरेशन। तो कहते हैं बाय विच प्रोसेस द ओशन बिकम्स प्योरिफाइड। जब वो खराब चीजें, डिकेड चीजें सरफेस लेवल पर आना शुरू होती हैं, तो कहता है इस तरह से वाटर जो है, जो सी जो है, वो प्योरिफाई होता है। सो इट वॉज एन आर्टिकल फ्रॉम द वॉयज ऑफ नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन ने इसको लिखा था 1845 में, एक जर्नल में उन्होंने लिखा था, और ये ऑक्सफोर्ड की जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने आपके लिए वहां से ये लिया। इट्स अ साइंटिफिक टॉपिक एंड क्वाइट इंफॉर्मेटिव एज वेल, आपने इसको देखा। अब हम फिफ्थ जो पैराग्राफ है, हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। In previous lectures, you have gone through 7 questions. You have done, I have discussed with you people, 7 questions. Now today is the turn of 8, 9, 10, aur uske baad 11 and 12 bhi hai. In paragraph 5, Darwin saw the sea gave out lights in flashes. Saw the sea give out lights in flashes. जैसे वो बिजली चमकती है आसमान पर, इसी तरह ऑन द सर्फेस ऑफ द सी लेवल भी वो कहता है कि लाइट्स फ्लैश फ्लैशेस ऑफ लाइट्स हैं, फ्लैशेस हैं। फिर क्या कहता है कि व्हाट डिड द सेलर थिंक वाज द काज ऑफ दिस। सेलर्स क्या कहते हैं, वो जो वहां मछली पकड़ते हैं, वो कहता है वो क्या कहते हैं। तो कहता है कि दे कंसिडर्ड इट अ बिग फिश। जो सेलर्स हैं वो कहते हैं कि इट्स अ बिग फिश, इट्स अ लार्ज फिश। And why did Darwin reject their opinion? वो उसको rationalize करता है, वो सोचता है कि that the frequency and the rapidity of the flashes जो है वो इस बात को shows that it is not large fish. Why did Darwin reject their opinion? Darwin rejected their opinion because the frequency and the rapidity of the flashes doesn't match with the movement of the large fish. This is the answer. Question number 9. What did Darwin think caused these flashes? What did Darwin think caused these flashes? वो कहता है कि फिर अगर if it is not a fish, तो फिर ये flashes क्या हैं? मतलब वो उसको पहले rationalize करता है ना, कहता है कि frequency and the rapidity of the flashes doesn't match with the movement of the, तो फिर अगर ये fish नहीं है तो then What did Darwin think caused these? तो फिर कहता है कि ये जो flashes हैं इनकी वजह क्या है? वो कहता है कि disturb electrical condition of the atmosphere. वो एक phrase इस्तेमाल करता है, disturbed electrical condition of the atmosphere is basically the cause of these flashes. Phosphorescent आगे चल के वो एक और बात भी तो कहता है ना, at the end of the paragraph कि decomposition basically is the cause of phosphorescence. आप वो थोड़ा सा वो भी ऐड कर सकते हैं। Why does Darwin think that the sea is more luminous after a few days of calm weather? उसने क्यों सोचा? Why does Darwin think? क्यों सोचा? That the sea is more luminous after a few days of calm weather. वो बीच में कहता है कि सी बिकम्स मोर लुमिनस आफ्टर फ्यू डेज ऑफ काम वेदर। तो वो कहता है कि बिकॉज इट इज
after a few days of calm weather, sea is crowded with various organisms. सी इज स्वार्म्ड विद वेरियस ऑर्गेनिजम्स, बहुत सी चीज़ें सरफेस लेवल पर आ जाती हैं. तो फिर कहता है कि वाटर सरफेस फिल्स विद जिलेटिनस पार्टिकल आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ काम वेदर, और दैट इज वाई द सी बिकम्स मोर लुमिनस. जब वेन द जिलेटिनस ऑर्गेनिजम्स वेन जिलेटिनस पार्टिकल्स कम्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सी लेवल, इट गिव्स द फॉस्फोरेसेंस एलिमेंट टू द वाटर. और उसके बाद वो कहता है कि जब वाटर सरफेस जो है वो जिलेटिनस पार्टिकल से फिल होती है तो सी बिकम्स मोर लुमिनस. सी बिकम्स मोर लुमिनस. नेक्स्ट टू चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये कुछ कुछ लेसन्स में होते हैं, कुछ में ये नहीं होते. These challenging type of questions are not at the regular basis in the exercises. In what way does Darwin see the water as in impure state? In what way does Darwin see? Why Darwin thinks that the water is in an impure state? Why Darwin think that the water is in an impure state. He calls the water in an impure state because he cannot see the real crystal clear water of the sea. The real color of the water, the real transparent, he couldn't see the transparent water because there was the reflection of different gelatinous particles. तो जब वो उसको crystal clear transparent water नहीं देखता, तो that is why he calls it in an impure state. Last question, 12th question. According to Darwin, how does the sea become purified? How does the sea become purified? कि sea अपने आप को purify कैसे करता है? Sea purifies itself by sending decaying organisms to its surface level. कैसे करता है? जब वो अपनी जो decaying particles होते हैं, decaying organisms होते हैं marine life में, जब वो उसको surface level के ऊपर भेजता है, तो जो sea है वो साफ नीचे से हो जाता है. और फिर वो पानी की लहरें बहा के उसको ओशंस की तरफ ले जाती हैं. सो दिस इज द वे हाउ द सी इज प्योरिफाइड. एंड हाउ इज दिस प्रोसेस लिंक्ड टू द फास्फोरेसेंस? एंड हाउ इज दिस प्रोसेस लिंक्ड टू द फास्फोरेसेंस? और वो कहता है कि इस हाउ इज दिस प्रोसेस, और इस ये जो प्योरिफाई का प्रोसेस है, इसको फास्फोरेसेंस से उसने कैसे लिंक किया? Because these deadly are decaying organisms cause phosphorescence. These decaying organisms cause phosphorescence. जब वो decaying or decomposing organisms को at the surface of the level as the surface of the sea water वो send करता है sea, तो और फिर वो gelatinous जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम्स एट द सरफेस लेवल, दैट जिलेटिनस ऑर्गेनिजम्स जिलेटिनस पार्टिकल काज द फास्फोरेसेंस. ओके जी, दिस इज द एंड ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, हेडिंग रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग, ऑल दीज 12 क्वेश्चंस were part of reading for understanding and meaning. ये आपने जो questions आज हम अभी तक हमने complete किए हैं, these are directly related to your reading and your comprehension. कि आप पढ़ के कितना समझते हो. This is very much compulsory for you people to go through the text keenly. Text को ध्यान से पढ़ें and then try to extract meaning. और उनसे फिर मीनिंग निकालें कि आपको क्या समझ आती है. इफ यू फाइंड सम डिफिकल्ट वर्ड्स, डू कंसल्ट द डिक्शनरी, डेवलप अ हैबिट ऑफ कंसल्टिंग डिक्शनरी, बिकॉज इट इज रियली रियली वेरी बेनिफिशियल
फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशली फॉर द ओ लेवल स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कम्स द पोर्शन ऑफ वोकैबुलरी. दिस इज आल्सो कंपल्सरी पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइजेस. वोकैबुलरी व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी. Find the words or phrases in the text above which have similar meaning to the words and phrases. Find words or phrases in the text above. Text above, we have gone through the five paragraphs of phosphorus and the ocean. Five paragraphs have padh chuki hain and you have gone through a lot of vocabulary. Now these are the phrases और इन phrases के जो meaning है वो आपके इन five paragraphs में मौजूद है. कहीं पे words होंगे, कहीं पे phrases होंगे, मतलब one word भी होगा, more than one word भी आपको इनके equivalent मिलेंगे जो कि text में use हुए. For example, a line of cloudy white, it was included. Yeah, it is present in paragraph number one. And what is the equivalent of this phrase that has been used in the paragraph is a milky trail. Paragraph one में ये phrase इस्तेमाल हुई हुई है, a milky trail. ठीक है जी. Milky trail कहाँ इस्तेमाल हुई है? Paragraph वन में. और इसके बाद है लाइकली. द इक्विवेलेंट ऑफ लाइकली इन पैराग्राफ थ्री इज प्रोबेबल. और नेक्स्ट आपका थर्ड वर्ड है डेफिनेट. इट इज इंक्लूडेड. द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड कैन बी फाउंड इन पैराग्राफ फोर. एंड द सिनोनिम ऑफ डेफिनेट इज डिफाइंड. एंड देन नेक्स्ट कम्स द कलेक्टेड. दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन पैराग्राफ फोर. कॉन्ग्रीगेटेड. यस, ये तो तब भी मैंने आपको एक डिफरेंट दिस इज द कॉन्ग्रीगेटेड वर्ड इज प्रेजेंट इन इन लाइन नंबर 29 ऑफ द फोर्थ पैराग्राफ. एंड शिप का इक्विवेलेंट क्या है? वेसल, दैट हैज बीन यूज्ड इन पैराग्राफ नंबर फोर. नाउ कम्स थ्री वर्ड्स In paragraph 5, ascribed speed and disintegration. ये मैंने आपको नहीं बताए, ये आपने खुद ढूंढने. I have given you different words. पहले क्या होता था कि मैं आपको वही words देती थी जो कि आपके words meaning वही देती थी जो कि आपके exercise में पूछे जाते. Now I have changed my strategy. Now you have to find the synonym of ascribed from paragraph 5, and next word is speed, and the third word is disintegration. You have to WhatsApp me after listening this lecture. आपने मुझे इन तीनों का you have to find the equivalent of all these three words from paragraph number 5. Ascribed, speed, and disintegration. Now comes the next question of vocabulary. The following words from A to F have been used in the text above. ये वही है जो हम text में पहले कर चुके हैं. Use each one in sentence of your own. Don't repeat the content of the text. So it means don't repeat the content of the text का मतलब है don't copy paste. Don't take the sentence from the text. You have to create your own sentence. You have to make your own sentence. But for your convenience, I can give you the meaning of these words. ताकि आपका थोड़ा सा recapitulation हो जाए, थोड़ी सी आपकी revision हो जाए. Scarcity होता है कम होना, बहुत कम होना.
बहुत ही ज्यादा कम होना, स्केर्सिटी लैक ऑफ समथिंग, बहुत चीजें कम हो जाती हैं जब कहत होता है, फैमिन होता है, तो चीजों की स्केर्सिटी हो जाती है. फिर है फेनोमेना, एन ऑब्जर्वेबल फैक्ट. नेक्स्ट फेनोमेना क्या है? एन ऑब्जर्वेबल फैक्ट. पार्टिकल्स क्या है? पार्ट. फ्लैशेस क्या होते हैं? लाइटनिंग. रेपिडिटी क्या होती है? क्विकनेस. एंड रेस्पिरेशन क्या होती है? एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेना जो होता है. सो समुंदर जब सांस लेता है तो इट्स सेंस द डिकम्पोजिशन डिकेइंग पार्टिकल्स टू द सरफेस लेवल, और फिर वो अंदर से वो ब्रीदिंग से वो साफ हो जाता है. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन. I hope you have understood well. You have to make the sentence of 6 words and the meaning of 3 words. Try to WhatsApp me all the class ताकि मुझे पता चले कि you have watched the lecture and you have understood all the things. ठीक है जी? Thank you very much. Take care of yourself. And try to learn at regular basis. Thank you very much.